आप देख रहे हैं वही द फैमिली न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच शहर के तिलक मार्ग स्थित श्री बाबरी वाले बालाजी प्राचीन मंदिर पर विराजित श्री खाटू श्याम बाबा के दरबार में निर्जला एकादशी पर शुक्रवार को बाबा श्याम का दिल्ली और कोलकाता के फूलों से आकर्षक शाही श्रृंगार किया गया और नीमच शहर नरेश को 501 किलो आम के रस का महाभोग देर शाम लगाया गया। मंदिर पुजारी गोपाल कृष्ण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्जला एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का दिल्ली और कोलकाता के फूलों से आकर्षक शाही श्रृंगार किया गया है। साथ ही देर शाम 501 किलो का आम के रस का भोग भी लगाया जाएगा। वहीं आज ही के दिन प्रातः बाबा की महाआरती की गई है। इसी प्रकार देर शाम को ढोल धमाकों के साथ बाबा की महाआरती के पश्चात भव्य ताली कीर्तन और प्रसाद वितरण किया जाएगा। निर्जला एकादशी के अवसर पर आज दिन भर बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। मंदिर पुजारी गोपाल शर्मा ने बताया कि शनिवार को प्रातः 8:30 बजे मंदिर परिसर में बाबा की द्वादशी भारत की जोत ली जाएगी। आज निर्जला 11 से भगवान को जल और आम और शक्कर का भोग लगाया जाता है और हमारे यहाँ नीमच बावड़ी वाले बालाजी के चार मंदिर के अंदर भी बाबा को आज 501 किलो का महाभोग लगाया जाएगा आम का। और अभी दिल्ली और कोलकाता के फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया बाबा का। शाम को भव्य ताली कीर्तन किया जाएगा सभी भक्तों के द्वारा। विशेष आयोजन में तो 501 किलो आम का भोग ही है। विशेष दिल्ली कलकत्ता के फूलों का श्रृंगार है। आज एक तो निर्जला 11 से उसमें एक जो निर्जन वहाँ नहीं रहे तो उनके लिए मंदिर में जल का और इसका प्याऊ कुआ बाउल तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एफ्रिका के साथ। जय हिंद, जय भारत।